नमस्कार, आप हमारा शो खास कार्यक्रम देख रहे हैं चर्चा में केवा, और अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि आप तक चर्चा में कौन से प्रत्याशी हैं विधानसभा क्षेत्र में, वो जमीनी हकीकत पहुंचाने की मेरी कोशिश रहती है। और इसी को लेकर हम विधानसभा क्षेत्र जो है अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव, कस्बे, गली, मोहल्ले होकर गुजरते हैं। और इसी दौरान मेरी नज़र पड़ गई यहाँ पर ताश की टोली पर, और ताश की टोली पर जो लोग बैठे हैं ये गाँव से जुड़े लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, और ज़मीनी हकीकत इनसे बेहतर भला कौन बता सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये ताश खेल रहे हैं, आराम से इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, और ज़मीनी हकीकत से जुड़ी बातें जो है वो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है। चलिए, कौन सा गेम खेल रहे हैं? 29 या 28? 28। तो ताश के साथ साथ जो है थोड़ा चुनावी चर्चा हो जाए, और आप लोगों से आपसे खैर जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो वर्तमान में विधायक है उनको जान रहे हैं? जान रहे हैं। काम किए? काम तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ? काफ़ी दिनों से वो विधायक है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, काम यहाँ पे नहीं हुआ है। नहीं। वो मिलने आते हैं जितने के बाद जनार्दन मांझी जदयू के विधायक के मिलने एक बार आया था। एक बार आया था, क्या सब बातें क्या हुई? कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ बोला हुआ था, बोला उसका उसको भी कह तब भी क्या कर मिल जाएगा चपा कल नहीं मिल नहीं, उस टाइम में जैसा पानी होता है ऐसे ढंग के ये महादेव थान के चपा कल है, यही इतना आधा टोला पानी इसी पीता है। नीतीश कुमार को जानते हैं? हाँ, नीतीश कुमार जानते हैं। कैसा नेता तो ठीक है, लेकिन दिक्कत तो नीतीश कुमार को फायदा कहाँ दिया कुछ नहीं। इस बार आपका जो क्षेत्र है यहाँ के जो विधायक, इस बार चुनाव विधायक वाला होना है, और विधायक वाला चुनाव में जो अभी आपके जो विधायक हैं तो नीतीश कुमार के विधायक हैं, तो क्या लगता है कि उसको बदल दीजिएगा, नयका लाइएगा या कुछ? नहीं, वही रहेगा मृणाल शेखर। तो मृणाल शेखर जदयू के थोड़िए ना? नहीं है तो वही रहेगा अभी यहाँ। वो तो पिछले बार भी हार गया है, इस बार उसको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब नहीं मिलेगा तब तो वो आइए है, उसी को मिलेगा। अगर टिकट ले करते हैं मृणाल शेखर तो वो उसी को मिलेगा यहाँ। कहे उसको कहे, अब वो खर्चा पानी देगा भोला बाथान में, जो उसी को देंगे हम सब। अभी तो चुनाव आने के लिए नहीं, चुनाव तो हमको लगता है एक दो दिन में चुनाव का घोषणा भी हो जाएगा कि कब से चुनाव। तो ये भोला बाबा थान में जो दे देगा कुछ खर्चा बर्चा, उसको वोट पूरा गांव का चला। किसको चुनिएगा कि आप थोड़ा सा बोल रहे हैं, किसको इस बार विधायक बनाइएगा, किसको बनाएंगे? जो बनता है उसके पास जाते हैं तो वो कहता हम आपको नहीं चिन्हते हैं, आज कुर्सी मिल जाएगा कल गरीब आदमी को, किसी को नहीं वो जानेगा। और आपके जो अभी के जो विधायक हैं जनार्दन मांझी, वो मांझी रहे चाहे जनार्दन मांझी रहे या कोई भी रहे, उससे क्या होने वाला है? गरीब को कोई देखने वाला नहीं है, बस सुबह होगा कंधे पे कुदाल लेगा, दिन भर खटेगा, शाम को 200 रुपये मिलेगा, अपना बीवी बच्चा रोटी पानी खाएगा, मगन रहेगा, फिर सुबह फिर अपना कुदाल उठाना है और क्या करना है। नीतीश कुमार जो है वो बोलते हैं कि नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी और हो, गरीब आदमी को कोई देखने वाला नहीं है इस पृथ्वी पे। लेकिन नीतीश कुमार तो आज तक नया चक्के अंदर में कोई निकास नहीं हुआ है। 7 नंबर वार्ड में देखिए पानी का टंकी है, 7 नंबर वार्ड में नया चक में पानी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? स्कूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है नया चक में, आज तक एक नलका भी नहीं गड़ाया है नया चक के अंदर में। आइए इधर आइए, आपको कुछ आपसे ये जानने का, आपने कहा कि गरीबों का कोई नहीं है। गरीबों का कोई नहीं है, बस आज ही आज है, कल गाजियाबाद है, परसों फरीदाबाद है, आज कमाया कल मजदूरी लिया, दाल भात तरकारी खाया, मगन है, कोई किसी से मतलब नहीं है। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि सरकार क्या बोलेगा, सरकार को तो अभी भूख है, हमको भूख रहेगा तो हम किसी घर पे जाके मांग सकते हैं, वो हमको एक मुट्ठी दे देगा इंसान। तो इस बार वोट तो डालिएगा ना चुनाव? वोट डालेंगे, जिसको मर्जी होगा उसको वोट डालेंगे, जो अच्छा लगेगा देखने में। कौन अच्छा लगेगा अभी क्या बता देंगे, अभी कोई अति चर्चा नहीं हुआ है, चर्चा अभी तक नहीं हुआ, नहीं हुआ है। चलिए, कोई देखने वाला नहीं है। खास कर देखा जाए तो इस क्षेत्र इस मंदिर में शिव बाबा का दयालु होगा, जो इस मंदिर में खर्चा देंगे हम लोग उसको वोट देंगे।
तो मंदिर में खर्चा करने से घर की खर्ची नहीं चल जाएगी? आखिर खर्ची नहीं चल जाएगी, खर्ची हम लोग को यही चलाएगा। नहीं नहीं क्षेत्र नहीं, आपके मेरा मतलब है कि आपके समाज में, आपके क्षेत्र में विकास होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ है समाज में, नहीं क्षेत्र में हुआ है, हमारे नया चक्के अंदर में नहीं हुआ है और नहीं हो भी सकता है। कितनों प्रधानमंत्री बीजेपी भाजपा सरकार कोई भी बन जाए, मेरा यही कहना है। और क्या कहेंगे, दिन भर कमाते हैं, शाम को 200 रुपए मजदूरी लेते हैं, दाल भात तरकारी खाते हैं, इनको दिखाई रहते हैं अपना मतलब काम के। हाँ बस, दूसरे से क्या मतलब है? नेता पे भरोसा करते हैं? कोई नेता पे भरोसा नहीं करना है। क्या करना? मोदी जी पे? कोई किसी पे नहीं करना है, किसी पे नहीं, किसी पे नहीं। ऐसा गरीब आदमी को क्या है, कुछ नहीं है। मोदी लूटपाट के खाता है लोग। क्या बोले, जैसे अथी सब दिया ना, जन धन योजना, ये तो लूट लिया बैंक वाला, बोला तुम्हारा नहीं आया है। नहीं आया। हाँ, खास कर और कुछ लोग हैं इनसे भी। क्या मतलब किसका चर्चा चल रहा है आपके क्षेत्र में, अमरपुर विधानसभा में? हम सब अभी कुछ नहीं जानते हैं किसका चर्चा चल रहा है, नहीं जान रहा है, हम सब क्या जाने। अच्छा, आपकी क्षेत्र में समस्या बताइए, आपकी क्षेत्र में बताइए। स्कूल नहीं है, हम क्या बताएंगे, पानी नहीं है, पानी नहीं है, और सगर हो गया 7 नंबर वार्ड में, अभी तक नाल जल कुछ नहीं है, स्कूल नहीं है। अभी देखिए बांका जिलों में ऐसा कोई बस्ती नहीं है कि जहाँ बस्ती में टोटी नहीं गया है। बांका जिला का बात करते हैं हम। क्या जी, स्कूल नहीं है? पूछ लीजिए, स्कूल है नया चक्के अंदर में। तो पढ़ने पढ़ने कहाँ जाते हो, पढ़ने कहाँ जाते हो? इधर युवा है, युवा है, कुछ इनसे भी दिखाए। क्या स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है। आप लोगों से भी थोड़ा सा चोट लगेगा। हाँ, क्या बोल रहे थे आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, इस गांव समाज में कोई स्कूल नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी ना ये कुछ भी ना, कुछ नहीं है। नया चक है कहीं नहीं है कि नया चक है या खत्म हुआ है, उसका कोई नहीं। आप लोग खासकर युवा हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? आपके जो वर्तमान के विधायक हैं, विधायक को जान रहे हैं? जीतन राम मांझी है, जो जनार्दन मांझी, वो तो कभी देखने भी नहीं आया एक नया चक का। इस बार क्या मूड है, किसको बनाइएगा? खुद बने भी नहीं करेंगे, मृणाल से कर। क्या बोल रहे थे? मृणाल से कर, अब की बार भी वोट टिकट मिलेगा उसको ना, उसी को वोट देंगे। मृणाल जी, मृणाल शेखर, आपके क्षेत्र में मृणाल शेखर की चर्चा होती है? आते हैं यहाँ बराबर, वो आते रहते हैं जी। कोई किसी घटना हो वो आता है यहाँ? कौन कौन? मृणाल शेखर, मृणाल शेखर, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सब दिन आता है यहाँ। मिलेगा तो उनको वोट मिलेगा ही मिलेगा, अगर सीट नहीं मिला तो फिर कोई बात देखने आता है इधर, तो उसको वोट नहीं देंगे तो दूसरे को थोड़ी देंगे। मृणाल शेखर खासकर देखते हैं, मृणाल शेखर पिछली बार चुनाव आपके क्षेत्र से लड़े थे, वो हारे भी थे। इस बार अगर वो टिकट नहीं मिलता है उनको, टिकट वो लेकर नहीं आ पाते हैं, तो फिर क्या स्थिति रहेगी, आप लोग क्या कीजिएगा? बोला ना भाई, जैसे देखेंगे जिसका अच्छा है उसको देंगे, और क्या हम लोग उस टाइम में चुनेंगे फिर, ऐसा अभी सजेशन अभी से क्या दे सकते हैं। चलिए, खासकर इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो कि यहाँ पे स्कूल नहीं है और पानी की समस्याएं हैं, और जहाँ तक बात रही इस क्षेत्र में प्रत्याशी की किसका चर्चा में केवा, तो चर्चा में अगर देखा जाए तो मिला जुला कर ये लोग मृणाल शेखर की बात कर रहे हैं,